खाना बनाने के दौरान घर में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। इस आग लगी की घटना में एक युवती समेत 2 लोगों की मौत हो गई। घटना चित्रगुप्त नगर थाना इलाके की है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आग लग रहा था, तब उठे थे, देखे थे, आग लग रहा है, तब सबको अलग ही, तब पानी से बुता रहा था, सब लड़की मेरा भाई बेटी बोले थे चाची है दादी बोल देखे घर में हो आग लग रहा है। हम लोग खाना बना रहे थे चूल्हा पर, सर चूल्हा पर पका रहे थे लकड़ी पर, उसमें 2 गो, एगो लड़की है, एगो लड़का है, नहीं निकल पाया था, घर पूरा धंधरा आग लग गया। आपसी रंजिश का खामियाजा कभी कभी बेजुबानों को भी भुगतना पड़ता है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला मुंगेर में, जहां एक पोल्ट्री फार्म में आग लगने से करीब 500 मुर्गे जिंदा जल गए। घटना नया राम नगर थाना क्षेत्र स्थित इटहरी गांव की है। पीड़ित का कहना है कि इस आगजनी में करीब 5 लाख का नुकसान हो गया। बेतिया में अपराधियों ने बीती रात घर में घुसकर होटल व्यवसायी की चाकू मारकर हत्या कर दी। घटना बेतिया अनुमंडल के मुफस्सल थाना क्षेत्र स्थित बरवत हीना सेना गांव की है। इधर घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सल थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के पुत्र ने बताया कि मृतक सुखदेव पहले कश्मीर में लकड़ी का काम करते थे। लॉकडाउन में घर आ गए थे, जिसके बाद वो अपने घर के पास ही चाय की दुकान चलाते हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पिपरा गए थे, ठीक है, वहीं पर हम काम कर रहे थे, तो सुबह फोन आया घर से, मेरे पापा जी नहीं बोल रहे थे, घर से आया फोन, और वहाँ से हम सुबह भागल आए, आधे रास्ते में आए तो फोन आया मर गए। वहाँ पर आए तो रोने लगे, और वो देखे तो वहाँ पर छुरा मारा था, क्या चीज़ का मारा था ये नहीं, वहीं पर रोने लगे, या हुआ मैंने घर में नहीं बता नहीं पता। कभी कभी तस्वीरें वायरल होना जिंदगी को एक खुशनुमा रूप दे देता है, तो कभी कभी तस्वीरें वायरल होना जी का जंजाल बन जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ हाजीपुर में कार्यरत 11 पुलिसकर्मियों के साथ। दरअसल महाशिवरात्रि के मौके पर पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसी कार्यक्रम के दौरान कुछ पुलिसकर्मियों ने बाल बालाओं के साथ ठुमके लगाए थे। इसका वीडियो वायरल होने के बाद कार्यक्रम का आयोजन करने वाले हाजीपुर पुलिस मेंस एसोसिएशन के 12 पदाधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। वहीं ठुमका लगाने वाले 11 पुलिसकर्मियों को आईजी ने निलंबित कर दिया है। पूर्वी चंपारण जिले के गोविंदापुर में शादी समारोह के दौरान छत गिरने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। घर में शादी समारोह चल रहा था, इसी दौरान छत गिर गई, जिससे हादसा हुआ। वहीं घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुट गई। इस घटना में एक बच्चे समेत 4 महिलाएं घायल हुई हैं। अरवल जिले की कलेर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए झारखंड से पटना लाई जा रही शराब की बड़ी खेप जब्त की है। पुलिस ने वाहन में लदे 5000 लीटर महुआ शराब को जब्त किया। वाहन समेत चालक को भी हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। झारखंड के लातेहार जिले के बरवाडी में एक 20 वर्षीय युवती का शव मिला। मृतक की पहचान अमडीहा गांव की रहने वाली सोनी कुमारी के रूप में हुई है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने बताया कि मृतका के पैर में कई जगह कटे के निशान पाए गए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे बिंदुओं पर जांच कर रही है। गया पुलिस ने बीते 11 मार्च से अगवा नीतीश कुमार नामक युवक को अपहर्ताओं के चंगुल से मुक्त करा लिया है। घटना मोहनपुर थाना क्षेत्र की है। घटना की जानकारी देते हुए एसपी आदित्य कुमार ने बताया कि युवक का उसके ही दोस्तों ने मोटी रकम की मांग को लेकर अपहरण कर लिया था। मामले की प्राथमिकी दर्ज होते ही पुलिस हरकत में आई और एक टीम बनाकर एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से अगवा युवक को भी पुलिस ने सकुशल खोज निकाला। 5 बजे सूचना प्राप्त हुई कि 11 तारीख को 5 बजे के आसपास डगरा से एक नीतीश कुमार नाम के लड़के की का अपहरण कर लिया गया है, जिसके क्रम और उससे रंगदारी मांगी जा रही है। जिस क्रम में अविलंब कार्रवाई करते हुए सबसे पहले अज्ञात के विरुद्ध एक FIR दर्ज की गई और किडनैप्ड आदमी के को बरामद करने के लिए प्रयास। अरवल जिले के बिगाहा गांव के पास NH 139 पर 2 वाहनों में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिस कारण चावल से लदा पिकअप वैन एक घर में घुसकर पलट गया। वहीं इस घटना में अनाज की कालाबाजारी की बात भी सामने आई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी में लदा चावल जन वितरण प्रणाली का है, जिसे कालाबाजारी के लिए किसी अन्य जगह भेजा जा रहा था। वहीं घटना के बाद चालक और खलासी दोनों फरार हो गए। पटना विश्वविद्यालय की तरफ से मगध महिला कॉलेज में फीस बढ़ोतरी को लेकर जाप छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। सोमवार को छात्रों ने कॉलेज के गेट पर तालाबंदी कर अपना विरोध प्रकट किया। छात्राओं का आरोप है कि पटना विश्वविद्यालय मनमानी कर रही है। विरोध कर रहे छात्रों ने इस दौरान कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए, साथ ही फीस बढ़ोतरी के आदेश को वापस लेने की मांग की। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष मनीष यादव ने कहा कि एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में मनमानी ढंग से फीस में बढ़ोतरी कर गरीब छात्राओं को शिक्षा से वंचित कर रही है। देखिए, एक तरफ बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, अब जहां पढ़ने में गरीब के बाल बच्चे तो नहीं आ पाएंगे, मगध महिला जहां छात्राएं रहती है वहां 3 गुना फीस कर दिया गया, बिना किसी विचार के, बिना कुलपति, बिना मुख्यमंत्री, बिना छात्र संघ के, बिना किसी कमेटी बुलाए हुए। हम पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नीतीश कुमार बात कर रहे हैं, बेटियां यहाँ तो पढ़ेगी ही नहीं, गरीब देश। मसौढ़ी के नगर परिषद कार्यालय के पास सफाई कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सफाई कर्मियों ने ठेकेदार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 3 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है। उनका कहना है कि जब तक उन्हें वेतन नहीं दिया जाएगा तब तक वो काम नहीं करेंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।